अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर वन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो उसके अंदर हम लोग जो है वो थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 3.6 के जो डेरिवेटिव कैलकुलेशंस वाला हमारे पास जो पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 40 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग उस लेक्चर का लिंक देखना चाहते हैं तो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया और यहाँ पे आई बटन में भी जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आज के लेक्चर की बात करूँ तो आज के लेक्चर में भी हम यही डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इसके बाद वाले जो हमारे पास क्वेश्चन है जिनके क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 48 तक देखेंगे, सिंपल है, इजी है। हमने जो है वो dy ओवर dt जो है वो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना टी की रिस्पेक्ट के साथ, बिल्कुल जो है वो सिंपल वे में हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, कहता है y विच इज इक्वल टू साइन स्क्वायर इनटू पाई टी माइनस 2। साइन के साथ उन्होंने पाई टी माइनस 2 आपको एंगल दिया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास, तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास स्केयर है, साइन के ऊपर स्केयर है, तो पहले तो हम इसके ऊपर जो है ना पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल लगाने के बाद हम जो है इस फंक्शन का मजीद डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि उसने हमें खुद बोला हुआ कि आपने डेरिवेटिव निकालना है टी की रिस्पेक्ट के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो टी यूज हो रहा है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे तो ये बन जाएगा जी डी वाई ओवर डी टी। अब यहाँ पे अगर आप लोग पावर रूल लगाते हैं तो पहले टू जो है वो पीछे आ जाएगा और साइन की पावर में एक माइनस करेंगे तो साइन वैसे के वैसे, साइन की पावर वन लिखे ना लिखे पाई टी माइनस टू। अब दोबारा से जो है इस फंक्शन का यानी कि साइन पाई इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी टी साइन इंटू पाई टी माइनस टू। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले टू ऊपर क्योंकि पावर में पावर रूल लगाया तो टू पीछे आ गया, टू साइन इंटू पाई टी माइनस टू आ गया। अब आपने साइन इंटू पाई टी माइनस टू का दोबारा से डेरिवेटिव लेना होता है, ये पावर रूल हमारे पास। तो अब आप लोग इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, इसको आप लोग इसका इस तरह भी लिख सकते हैं वाई प्राइम विच इज इक्वल टू टू साइन इंटू पाई टी माइनस टू। अब साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है जी कॉस, कॉस इंटू पाई टी माइनस टू, ये साइन का डेरिवेटिव लिया तो कॉस आ गया कॉस इंटू पाई टी माइनस टू। अब इस ब्रैकेट वाले इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना, यहाँ पे दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये इसका ये वन हो जाएगा, ये पाई आ जाएगा और ये टू आपके पास कॉन्स्टेंट, इसका डेरिवेटिव जीरो होता है, इसको ना लिखें तो ये फाइनल आंसर आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, वाई विच प्राइम विच इज इक्वल टू, ये पाई को पहले लिख लें आप लोग टू पाई, उसके बाद ये आपके पास साइन इंटू पाई टी माइनस टू और कॉस इंटू पाई टी माइनस टू। यही है जी आप लोगों के पास फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 41। इसी तरह से जो है ना वो क्वेश्चन सिंपल हैं, इजी हैं, हमारी कोशिश होती है कि हम इसको मजीद आपके लिए सिंपलीफाई करें, मजीद इजी करें ताकि आपको इजीली समझ भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 42 देखें, बिल्कुल वैसे के वैसे सर क्वेश्चन नंबर 41, इसमें जो है ना वो साइन स्केयर था, इसमें आपके पास सीकेंट स्केयर पाई टी है, तो इसको अगर आप लोग जो है ना वो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये क्या बनेगा, वाई प्राइम विच इज इक्वल टू, अब टू को पहले ले आए टू सीकेंट पाई टी, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी टी सीकेंट पाई टी का सीकेंट पाई टी, तो क्या बनेगा यहाँ पे आपके पास, ये बनेगा जी y प्राइम विच इज इक्वल टू टू सीकेंट पाई टी, वैसे के वैसे आ जाएगा डेरिवेटिव, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है जी सीकेंट साथ एंगल सीकेंट पाई टी टेन पाई टी। अब दोबारा से इस d ओवर डी टी इस पाई टी का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे जी, ठीक है जी, सीकेंट का डेरिवेटिव होता है सीकेंट टी टेन टी, तो क्योंकि यहाँ पे पाई टी है तो उसके साथ जो आ रहा है तो पाई टी लिखा सीकेंट पाई टी टेन पाई टी और डी ओवर डी टी दोबारा से इस पाई टी का हमने डेरिवेटिव लिया तो ये क्या बनेगा जी आपके पास टू सीकेंट पाई टी टेन पाई टी। और आप लोगों के पास यहाँ पे क्या दिया हुआ जी इसका डेरिवेटिव लेंगे तो टी का वन हो जाएगा तो ये पाई वहां पे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा y प्राइम विच इज इक्वल टू इस पाई को आप लोग जो है ना वो पहले लिख लेंगे टू पाई, ये है जी आपके पास सीकेंट, ये दो दफा पाई टी है सीकेंट स्केयर तो लिख लें सीकेंट स्केयर पाई टी टेन पाई टी, यही है जी फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 43 में देखें, कहता है y विच इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टू टी, इसकी पावर में उसने माइनस फोर दिया हुआ है, डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे पावर लगेगा माइनस फोर पीछे आ जाएगा तो
देखें जी वाई प्राइम माइनस फोर पीछे आ गया, तो वन प्लस कॉस टू टी की पावर में एक माइनस करेंगे तो ये माइनस फाइव बन जाएगा, क्योंकि माइनस फोर में एक माइनस करेंगे तो माइनस फाइव यहाँ पे बनता है। अब दोबारा से जो है ना आप लोग डेरिवेटिव लेंगे टी की रिस्पेक्ट से, डी ओ डी टी इंटू वन प्लस कॉस टू टी, तो इसको मुझे सिंप्लीफाई करें तो कहता है जी माइनस फोर इंटू, देखें जी इसके ऊपर माइनस फाइव है तो इसको अगर नीचे लेके जाते हैं तो ये जो है ना वो प्लस फाइव की शक्ल में आ जाएगा, तो उसको आप वैसे भी ठीक है, लेकिन आप जो लोग हैं उसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस फोर ओवर, इसको नीचे ले जाएं तो वन प्लस कॉस टू टी इसकी पावर ऊपर माइनस फाइव, नीचे आके फाइव हो जाएगा। अब दोबारा से इसका डेरिवेटिव लिया तो वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो कॉस टू टी का डेरिवेटिव होगा जी माइनस साइन टू टी, और टू टी का दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे तो वो आ जाएगा जी टू। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, वन का डेरिवेटिव तो जीरो होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टू टी, और टू टी का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो उसका डेरिवेटिव होगा आपके पास टू, तो ये क्या बनेगा जी y प्राइम विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फोर को टू से मल्टीप्लाई करें तो एट हो जाएगा, एट साइन टू टी ओवर वन प्लस कॉस टू टी इसकी पावर में फाइव आ जाएगा, और यही शॉर्ट सा सिंबल्स आपके पास फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर अगर 44 की बात करें तो उसमें कहता है जी y इज इक्वल टू वन प्लस कॉट इन टी ओवर टू की पावर माइनस टू। देखिए वैसे के वैसे करें जैसे 43 हमारे पास, इसमें भी वही शेप है, इसमें भी वही शेप है, आप लोग इसमें भी जो है ना वो पहले आप लोगों ने पावर रूल लगाना है, यहाँ पे जो है ना पावर रूल लगाने के बाद आप जो है उसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखें जी पावर रूल लगाएंगे तो साथ जो है ना उसका मजीद डेरिवेटिव लेंगे, उसके बाद बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया था ये इस तरह साइड पे आ जाएगा और ये बन जाएगा, इसी तरह से इसका जो है वो आंसर आ जाएगा बिल्कुल वैसे का वैसे करना जैसे 43 हमने किया। तो ये आप लोग खुद करें, अगर समझ नहीं आती तो आप लोग अगर सोल्यूशन जो है ना वो बाय करना चाहते हैं थॉमस कल्कस के हवाले से आप लोग रब्ता करें, इंस्टाग्राम का लिंक दिया और डिस्क्रिप्शन में, इसके अलावा व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग सोल्यूशन को बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं। तो ये 44 के बाद हम लोग बात करते हैं 45 की। देखें जी क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है y इज इक्वल टू tan t की पावर 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी सिंपल से क्वेश्चन है, सादा से क्वेश्चन है, सारे के सारे पहले पावर लगाएंगे, tan पीछे आ जाएगा। तो देखें जी y प्राइम विच इज इक्वल टू 10 तो पहले पीछे आ जाएगा, तो ये बनेगा tan t की पावर में एक माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब आप लोग दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे t और tan t का आप लोग दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक t और यहाँ पे tan t, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आप लोग प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो सिंपलीफाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं जी y प्राइम विच इज इक्वल टू 10 इंटू टी tan t की पावर 9 है। अब यहाँ पे आप लोग अगर लगाते हैं पावर रूल लगाते हैं तो पहले t वैसे का वैसे आ जाएगा, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे tan t का, उसके बाद आप लोग प्लस लिखेंगे, फिर tan t वैसे का वैसे लिखेंगे, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे t का, ठीक है जी। तो इसको जरा आप लोग सेपरेट करके लिख लें ताकि आपको समझ आ जाए, y प्राइम विच इज इक्वल टू 10 इंटू टी tan t की पावर यहाँ पे 9 दिया हुआ है। अब t यहाँ पे वैसे का वैसे आएगा और tan का डेरिवेटिव होता है जी secant square, तो यहाँ पे लिखा जी secant square t प्लस tan t वैसे का वैसे आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1 होता है, इसको आप लोग ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो। उसके बाद देखें जी यहाँ पे आपके पास है जी y प्राइम विच इज इक्वल टू 10, अब इसको आप लोग सेपरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे भी इसका आंसर भी ठीक है, लेकिन फिर भी आप लोग करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं t की पावर 9 कर सकते हैं, इसको आप लोग कर सकते हैं tan की पावर 9 t कर सकते हैं, और ये आपके पास है जी t secant square t प्लस tan t, आप लोग इसको कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट देखें जी यहाँ पे y प्राइम आपके पास ये, इसको आप लोग ब्रैकेट में लिख लें। अब देखिए ये सारे के सारे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको अंदर अगर आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, इसको लिखें जी 10, ये t की पावर 9 है और ये t की पावर 1 है, तो ये बन जाएगा t की पावर 10 यहाँ पे बन जाएगा, ये बन जाएगा जी t की पावर 10 और ये tan की पावर 9, tan की पावर 90, और ये आपके पास secant square t, आपके पास वैसे का वैसे आएगा secant square t, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास है जी प्लस लिखा, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा जी tan t की पावर 9 आ जाएगा, tan की पावर ये 90 और ये tan की पावर 1t है, तो ये बन जाएगा tan की पावर 10t बन जाएगा। तो ये आ गया जी आपके पास फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45।
नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, वाई इज इक्वल टू टी की पावर -3/4 है और साइन टी इसकी होल की पावर जो है आपके पास 4/3 है। तो सबसे पहले आप लोग इस तरह करेंगे, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो आपके पास जरा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इजी हो जाएगा। टी की पावर -3/4 इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 के साथ, और बिल्कुल इसी तरह से साइन टी की पावर में, साइन टी की पावर में आ जाएगा जी 4/3 साइन टी की पावर में इस तरह लिख रहे हैं जी 4/3 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, वाई विच इज इक्वल टू, अब ये आपके पास 3 से कैंसिल तो 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल 4 से कैंसिल, तो ये बच गया टी की पावर -1 साइन टी की पावर 4/3। अब दोनों आपस में हो रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल लगा के आप लोग इसको हल कर लेंगे, तो ये बनेगा जी वाई प्राइम विच इज इक्वल टू टी की पावर -1 वैसे का वैसे आएगा d/dt साइन टी की पावर 4/3 आ जाएगा, उसके बाद प्लस लिखेंगे फिर साइन टी की पावर 4/3 वैसे का वैसे आएगा, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे टी की पावर -1 का। तो देखें जी ये आपके पास क्या बनेगा, वाई प्राइम विच इज इक्वल टू टी की पावर -1, अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 4/3 जो है ना वो पीछे आ जाएगा, और साइन टी की पावर में आप लोग एक माइनस कर देंगे, इनकी 4/3 -1 कर देंगे, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे इसका साइन टी का, दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा जी कॉस टी प्लस, उसके बाद साइन टी की पावर में 4/3 आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे टी की पावर -1 का, तो ये बन जाएगा जी -1/t² इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि -1 पीछे आ जाएगा और टी की पावर में -2 हो जाएगा, तो -2 को नीचे लेके जाएंगे तो वो 2 बन जाएगा यानी कि -1/t² आ जाएगा। तो y प्राइम विच इज इक्वल टू, अब देखें जी यहाँ पे क्या बनेगा, 4/3 -1 करते हैं तो यहाँ देखते हैं क्या बनता है, 4/3 -1 ये बनेगा 4 - 3 1/3 ये बनता है जी आपके पास 1/3 यहाँ पे देखें, तो ये बन जाएगा जी आपके पास इस तरह कर लें 4 ऐसे का वैसे लिख लें, बटे में आप लोग क्या करिए टी भी नीचे ले जाए, 3 तो वैसे ही नीचे है तो टी को भी नीचे ले जाए, 3t बन गया, साइन टी की पावर में जो है ना वो आपके पास आ रहा है साइन टी की पावर में यहाँ पे आ रहा है जी आपके पास 1/3 आ रहा है, और साथ आपके पास आ रहा है जी यहाँ पे कॉस टी, उसके बाद ये प्लस माइनस माइनस हो रहा है आपके पास, तो ये बन रहा है जी आपके पास साइन टी की पावर 4/3/t² यहाँ पे आ रहा है। तो यही काफ़ी है जी, इतना ही आपके पास जो है ना वो 46 का फाइनल आंसर, क्वेश्चन नंबर 46 का वेरी सिंपल वेरी इजी, इतना भी आंसर जो है यहाँ पे ठीक है आपके पास जो है वो आंसर इसका आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग जो है वो 47 और 48 की बात करते हैं, 47 और 48 भी जो है बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, तो उनमें से मैं कोई आपको जो है वो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, 48 वाला करवा देता हूँ, क्योंकि दोनों के अंदर जो है वो क्वेश्चन रूल लगना है। तो अगर मैं 48 की बात करता हूँ तो देखते हैं सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 48 की बात करें तो कहते हैं जी वाई विच इज इक्वल टू 3t -4/5t + 2 की पावर उसमें -5 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें जी इस -5 को आप लोग प्लस में भी चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर मैं इसको उल्टा देता हूँ 5t + 2 को ऊपर ले जाता हूँ और 3t - 4 को नीचे लिख देता हूँ, तो इसकी पावर में जाना वो जो माइनस में प्लस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आपके पास सिंप्लीफाई हो चुका है, अब यहाँ पे आप लोग डेरिवेटिव लेंगे तो पहले यहाँ पे पावर रूल लगेगा, तो y प्राइम विच इक्वल टू पहले 5 पीछे आ जाएगा, तो 5t + 2/3t - 4 की पावर में एक माइनस करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, दोबारा इसका d/dt डेरिवेटिव लेंगे तो 5t + 2/3t - 4 का दोबारा से हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास लगेगा क्वेश्चन रूल। तो नेक्स्ट देखें जी y प्राइम विच इज इक्वल टू 5 × 5t + 2/3t - 4 इसकी पावर में आपके पास 4 है। अब देखें यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ जी क्वेश्चन रूल तो नीचे क्या बनेगा 3t - 4 का स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर 3t - 4 वैसे का वैसे आएगा, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे 5t + 2 का, फिर माइनस लिखेंगे, फिर 5t + 2 वैसे का वैसे लिखेंगे, फिर आप लोग जो है ना वो डेरिवेटिव लेंगे 3t - 4 का। ये होता है जी आपके पास क्वेश्चन रूल। तो कहता है जी y प्राइम विच इज इक्वल टू 5t + 2/3t - 4 की पावर में 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे जी 3t - 4 और 5t का डेरिवेटिव आपके पास होगा जी 5,
टू का आपके पास जीरो होता है उसको ना लिखें, माइनस इंटू फाइव टी प्लस टू, थ्री टी का डेरिवेटिव होता है आपके पास थ्री, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा थ्री टी माइनस फोर की पावर टू आ जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, वाई प्राइम विच इज इक्वल टू फाइव इंटू फाइव टी प्लस टू की पावर फोर, इनकी जो है ना वो क्या करें आप लोग, इसकी पावर को सेपरेट कर लें, दोनों को सेपरेट कर लें, फाइव टी प्लस टू की पावर फोर और थ्री टी माइनस फोर की पावर भी फोर आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास क्या बनेगा, इनको अगर आपस में कर दें मल्टीप्लाई पाँच तीन बार, फिफ्टीन टी माइनस बीस, उसके बाद क्या बनेगा जी, माइनस पाँच तीन बार पंद्रह टी माइनस तीन दो बार छः, और डिनोमिनेटर में आएगा जी थ्री टी माइनस फोर की पावर टू आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये 15t और माइनस 15t, ये तो हो गया आपस में कैंसिल, माइनस बीस माइनस सिक्स आपके पास बनेगा माइनस 26। तो देखें जी क्या बनता है, वाई प्राइम विच इज इक्वल टू फाइव इंटू फाइव टी प्लस टू का स्केयर यहाँ पे आएगा, और इसके साथ आपके पास क्या बनेगा, माइनस बीस माइनस छः ये होता जी माइनस 26, और डिनोमिनेटर में ये भी 3t माइनस फोर है, ये भी 3t माइनस फोर है, इसकी पावर में 4 है इसकी पावर में 2 है, तो ये टोटल करेंगे तो 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे इकट्ठा करके लिख लें 3t माइनस फोर की पावर 4 जमा 2 6। अब देखें जी यहाँ पे 26 को 5 से मल्टीप्लाई करता, आई थिंक 135 आएगा, 130 आएगा, 130 26 को 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, कहता है जी वाई प्राइम विच इज इक्वल टू 26 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस 130 इंटू 5t प्लस 2 की पावर, यहाँ पे आपके पास 2 है और डिनोमिनेटर में जी आपके पास 3t माइनस 4 की पावर 6, 3t माइनस 4 की पावर 6। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 का। तो यही था जी आज का लेक्चर, सिंपल था, इजी था, पूरी कोशिश की है कि ईजीली जो है ना हम लोग इसको कवर करें, आपको समझ भी आ जाए। अगर कहीं से समझ नहीं आती आप लोग जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रब्ता कर सकते हैं, सॉल्यूशन को बाय करना चाहते हैं उसको भी उसके लिए आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो एंड पे यही कहूँगा कि अपना भी ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।